नमस्कार, जन की बात पे आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम हैं खुशी शिक्षांत्रा रेमिडियल स्कूल, खुशी शिक्षांत्रा विद्यालय, जहाँ पे हम लड़कियों से बातचीत करेंगे कि उन्होंने इस बार क्यों प्रण लिया है एक क्रैकर फ्री, क्रैकर लेस दिवाली मनाने के लिए। तो आते हैं कि हमारे साथ इस स्कूल की बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हैं और अभी हम सबसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनके दिवाली के क्या प्लान्स हैं और ऐसा ये क्यों कह रहे हैं कि ये पटाखों को साफ इनकार करेंगे। तो चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बार क्या आप दिवाली पर पटाखे फोड़ेंगी? नहीं। ऐसा क्यों? कौन बताना चाहेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ बताइए। अगर हम पटाखे जलाएंगे तो उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, और अगर पॉल्यूशन होगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। ओके, और कोई? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, बताइए। अगर हम पटाखे जलाएंगे तो हमें स्किन्स प्रॉब्लम होगी, जिससे खतरा बढ़ेगा, हमारी बीमारियाँ होंगी हमें। तो ये बता रहे हैं कि स्किन के यानी त्वचा के रोग हो सकते हैं पटाखों से। और जी बताइए, पटाखे फोड़ने से हमारे फेफड़े में सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, और हम फेफड़े में कैंसर बीमारी होती है। और जैसे पटाखे बनाने में एल्युमिनियम का उपयोग होता है, जिससे एल्माइजर और त्वचा बीमारी भी होती है। और हम एंटीमिन सल्फाइड का भी उपयोग करते हैं पटाखे बनाने से, इससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और सांस हमारे जो फेफड़ों में कैंसर भी हो सकता है। और पटाखे हमें नहीं जलाना चाहिए, इससे हमारे ध्वनि पॉल्यूशन पॉल्यूशन भी होता है और वातावरण पॉल्यूशन भी होता है, तो हमें नहीं जलानी चाहिए। जी, तो इन्होंने बताया कैसे वातावरण प्रदूषित होता है और कैसे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। आप क्या बोलना चाहेंगी? क्या आप पटाखे इस्तेमाल करेंगी इस दिवाली में? नहीं करेंगी। क्यों? बहुत कुछ नुकसान होता है, अगर हम जलाएंगे तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम होगी, और बहुत ज़्यादा बारूद होता है जिससे हम फोड़ते हैं तो हमारे हाथ वाथ जल जाते हैं, तो बहुत मुश्किल से वो घाव भरते हैं। हमारी गली में एक लड़का है जिसके बारूद हाथ में लग गए थे, और बस हल्का सा चिंगारी लगते हुए उसके पूरा हाथ ऊपर तक जल गया था। इस वजह से हमारी गली में तो बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इस बार हम गली में पटाखे नहीं फोड़ेंगे। जी, तो इन्होंने बात की कैसे हाथ से हो सकते हैं पटाखों से और प्रदूषण होता है, इन्होंने भी बोला। आपको क्या लगता है? सो इस बार हमें पटाखे मुक्त दिवाली बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि पता है दिल्ली में बहुत ही कम पेड़ बचे हुए हैं, और जिससे ऑक्सीजन भी बहुत कम है, तो जिसकी वजह से जैसे जैसे हम पॉल्यूशन करेंगे ऑक्सीजन का लेवल वैसे जैसे कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। जी, तो इन्होंने एक बहुत अहम पॉइंट बोला कि जो हरियाली हमारे दिल्ली में कम है और हमारे देश में कम है, और उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की और कमी हो जाएगी और प्रदूषण और फैलेगा। आपको क्या कहना है? नहीं, इस बार पटाखे हम नहीं जलाएंगे, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे दिल्ली में पेड़ पौधे बहुत कम है, और इससे जो पटाखे होते हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये आदि गैसें बहुत हानिकारक होती है, इससे हमें सांस लेने में बहुत नुकसान होता है इससे। जी, तो इन्होंने भी बताया कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के वजह से और ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। जी बोलिए। मेरा नाम आरती है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दिवाली पे पटाखे हमें नहीं जलाना चाहिए, इससे बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है, और बहुत लोगों को कई कई तरह की बीमारियाँ भी हो सकती है। जी, तो आप अपना निजी ज़िंदगी में बताएंगे कैसे फ़र्क पड़ सकता है? अगर आप पटाखे फोड़ते हैं तो आपको क्या कैसे असर होता है? रिएक्शन हो सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है, बाल भी टूट सकते हैं, बहुत तरह की त्वचा पे भी हम आगे बीमारियाँ पड़ सकती हैं। जी, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं उनको अपनी त्वचा और बालों की काफ़ी फिक्र है, और इस वजह से वो बता रहे हैं कि कैसे पटाखों से सब चीज़ों पर हानि पहुँच सकती है। आपको क्या लगता है? मेरा नाम मीना है, मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ, मैं खुशी शिक्षांत्रा में पढ़ती हूँ। मेरा विचार है कि इस बार पटाखे ना फोड़े, क्योंकि पटाखों से इतने खतरनाक रासायनिक केमिकल निकलते हैं जिसके कारण लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है, सांस लेने में बीमारी कम होती है, पॉल्यूशन होता है, इतना सारा नॉइस पॉल्यूशन होता है जिसके कारण हमारी निजी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। जी, आप लोगों से मैं ये पूछना
पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने मित्रों को, अपनी सहेलियों को बताएंगे कि इस बार नहीं पटाखे फोड़ने चाहिए? आप लोग तो ये फैसला कर चुके हैं, तो क्या आप इस बात को और इस विचार को और फैलाएंगे? और ऐसा करेंगे तो क्यों, बताइए? क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था कि बहुत सारा पॉल्यूशन हो गया था, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे, त्वचा में प्रॉब्लम, आंखों में जलन, इसलिए इस साल भी हम पटाखे नहीं जलाएंगे। जी, और आपको क्या कहना है कि दुकानों पे इतने सारे पटाखे बिक रहे हैं अभी से ही, तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है? मेरा कोई आवत है और मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ शिक्षांत्रा में। ये कहना चाहती हूँ कि हमें कम से कम पटाखे जलाने चाहिए, इससे बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स और इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, इसलिए हमें अपने हरियाली को बनाए रखने के लिए पटाखे कम जलाने चाहिए। जी, और आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम मोहिनी शर्मा है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ और खुशी शिक्षांत्रा में पढ़ती हूँ। मेरा ये विचार है कि इस दिवाली में पटाखे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि अगर हमने पिछले साल पटाखे जलाए थे उससे बहुत पॉल्यूशन फैला था, 3-4 दिनों तक बहुत स्मोक हो गया था, इस वजह से हमें पॉल्यूशन, स्किन कैंसर हो जाता है और बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है, इसलिए दुकानों पर भी हमें जो पटाखे बिक रहे हैं उन्हें बैन लगाना चाहिए, हमें बहुत कम पटाखे जलाने चाहिए। थैंक यू। तो इन्होंने बोला है, एक काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट बोली है कि दुकानों पर बिकते हुए पटाखों पर भी बैन लगाना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं? यस, मैं इससे सहमत हूँ। मेरा नाम गुंजन होतेला है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले साल क्या कहते हैं दिल्ली में ही क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा स्मोक हुआ था और इससे कई ज़्यादा लोग जो बुजुर्ग होते हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए हमें क्या कहते हैं कम से कम क्या कहते हैं पटाखे जलाने चाहिए, हमें क्या कहते हैं क्रैकर्स पर भी बैन लगाना चाहिए जो मतलब ज़्यादा पटाखे चल रहे हैं, और क्या कहते हैं इससे क्या कहते हैं लड़की ज़्यादा लड़की मतलब लड़कियों के बाल झड़ने लगते हैं, और जो आइस के वो है इंसान आइस जो जिनके आइस वीक है उनको भी आइस प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, और क्या कहते हैं कुछ लोग तो ज़्यादा मतलब महीनों महीने तक हॉस्पिटल्स में एडमिट थे। जी, बिल्कुल सही कहा कि पिछले साल का ये उदाहरण दे रहे हैं, और दिल्ली में जो रहता है वही समझ सकता है कि पिछले साल दिल्ली की क्या दुर्दशा थी और क्या हालत थी। आप क्या कहना चाहेंगे? माय नेम इज़ राधा नेकी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th फ्रॉम खुशी शिक्षांत्रा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें पटाखों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो पटाखे होते हैं वो एल्यूमिनियम से बने होते हैं, और जो जो पटाखों को चमकीला करने में बनाया जाता है उसको हम कहते हैं एल्यूमिना एंटीमिना सल्फाइड। एंटीमिना सल्फाइड जो है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि उससे हमें स्किन कैंसर, सांस की बीमारी, और पिछले साल हमने जैसे देखा था कि स्मॉग भी काफ़ी था, उससे अस्थमा की बीमारी के पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो हमें ये मतलब पटाखों को बैन करने के लिए तो रोकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी सबने काफ़ी बताया कि जो उसके केमिकल रिएक्शंस हैं किस तरीके से हमारे ऊपर एक हानिकारक असर करते हैं, पर मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ जो अन्य यहाँ पे लड़कियाँ मौजूद हैं, कि क्या दिवाली पटाखों के बिना अधूरी है? क्या हम दिवाली और तरीकों से नहीं मना सकते? दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और पॉजिटिव या अच्छी ऊर्जा आसपास होनी चाहिए, खुशियों का त्यौहार है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पटाखे इतने अहम हैं दिवाली से? नो, पटाखे इतने अहमियत नहीं है, क्योंकि हम पटाखों को बिना जलाए भी कई दिवाली मना सकते हैं, जैसे कि दिए जलाकर, और मतलब दिए जलाकर ही हम कैंडल्स जलाकर दिवाली मना सकते हैं आसानी से, और तो एक दूसरे के घर पर जाके अपने मेहमान अपने मतलब रिश्तेदारों से मिलकर दिवाली आसानी से मना सकते हैं, ना कि क्रैकर्स फोड़ के पॉल्यूट करके करना चाहिए। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर आपने ये प्रण लिया है कि आप नहीं इस बार पटाखे फोड़ेंगे तो क्या करेंगे दिवाली पे, बताइए? हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, दिए को जलाएंगे, लैंप्स जलाएंगे, और दोस्तों के घर जाएंगे, सबको शुभकामनाएं देंगे, और क्रैकर्स को फोड़ने से पिछले साल जो हुआ था उसमें स्कूल्स की भी छुट्टियाँ पड़ी थी, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत फ़र्क पड़ा था, उनकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा था, इसीलिए इस बार हम पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाएंगे। जी, तो आप ये उन होनहार बच्चों में से जो खुशी नहीं मना रहे थे उन छुट्टियों में, और बिल्कुल समझ रहे थे कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है कि दिवाली पे आप इस बार क्रैकर्स को नो बोलेंगी? यस मैम। और क्या करेंगी इस दिवाली? मेरा नाम शिवांगी है, मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ, मैं खुशी शिक्षांत्रा में पढ़ती हूँ। अगर मैं क्रैकर नहीं चलाऊंगी तो मैं दूसरों को भी मना करूंगी, क्योंकि इससे हमें को नुकसान होता है, देखिए हम चाहेंगे ना हमारा नुकसान हो ना दूसरों का नुकसान हो। जी, ना हमारा नुकसान हो ना दूसरों का नुकसान हो, ये इंश्योर करेंगी पटाखों को ना फोड़कर, और बाकियों को भी यही संदेश देंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगली साल
अगले साल जब क्रैकर ज़्यादा जले थे उससे बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था और एक्सीडेंट भी बहुत सारे हुए थे, स्कूल भी बंद हुए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था और कई लोग मरे भी थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग क्रैकर ना फोड़ के हम लोग मिठाई वगैरह बाँट के एक दूसरे को गले लगा के दिवाली की शुभकामना दे सकें। जी, काफ़ी अच्छा आपने बोला। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मनाएंगे इस बार की दिवाली? हम इस बार पटाखे ना फोड़ के मतलब मिठाई उठाई दे के अपने घर से दिए जला के कैंडल जला के ये सब भी कर सकते हैं। हमारे लिए दिवाली पे ज़्यादा पटाखे फोड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता और वो मिठाई उठाई भी दे सकते हैं किसी को। जी, तो पटाखे महत्वपूर्ण नहीं होते, यही मैसेज आ रहा है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जी हैं, उनकी मानसिकता क्या कहती है? क्या आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं क्रैकर्स को, और अगर करते हैं तो आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे, आप उनको कैसे समझाएंगे कि ये हानिकारक है? हमें मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैं शिक्षांत्र में पढ़ती हूँ और मैं आप पटाखे फोड़ेंगी? नो मैम। क्यों? क्योंकि मैम इससे ज़्यादा प्रदूषण हो सकते हैं और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, आपको क्या लगता है? मुझे मैम नो। नो मीन्स कि आपने पटाखों को नो बोलती हैं? यस मैम। माय नेम, बिल्कुल आराम से बोलिए निडर होकर। मैम हम ना गिफ्ट दे के मना सकते हैं दीपावली और एक दूसरे के घर जाके मना सकते हैं और हमें पटाखे पे बैन लगानी चाहिए। पटाखों पर बैन लगानी चाहिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इतने बच्चों से भी हमने बात किया है और सब ने बोला है कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पटाखों को बैन करना चाहिए सरकार को। इससे हेल्थ प्रॉब्लम होती है, इससे स्किन प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे जो कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि उनकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी बाधित हो जाती है जब तक वो स्मोक पूरे दिल्ली के एटमॉस्फेयर में रहता है। जी, तो हम और भी बच्चों से बात तो आप लोग सब दिल्ली में ही रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या दिल्ली का ऐसा स्वास्थ्य है कि वो पटाखों को झेल पाए? क्या लगता है आपको, क्या 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 दिल्ली वासी हमारा स्वास्थ्य अलाउ करेगा कि हम पटाखों को अपने फेफड़ों के अंदर उस इनहेल कर पाए? नो मैम, क्योंकि मैम उसका धुआं बहुत ज़्यादा और मैम उससे जहरीला होता है और मैम उससे हमें हानिकारक भी हो सकती है और मैम हमारे अलावा जो भी मैम जो भी पटाखे फोड़ता है हम उनको मना कर सकते हैं कि पटाखे ना फोड़े, इससे हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक है और मैम जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए भी हानिकारक है। और मैम जो मैम पहले भी हुआ था कि मैम जब पटाखे फोड़े थे तो मैम उससे भी बहुत धुआं हुआ था, उससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। जी। और मैम इसके वजह से हमारे स्कूल के भी मतलब स्कूल भी बंद हो गया था जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई का भी नुकसान हुआ था और मैम इसलिए हम चाहेंगे कि मैम जो भी पटाखे फोड़ते हम उनको मना कर सकें कि पटाखे ना फोड़े इससे। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि पटाखे ना फोड़े, हमारे माँ बाप को भी हानिकारक हो सकता है और जो हमारे माँ बाप होते ठीक से जी नहीं पाते, इसके वजह से मैं चाहती हूँ कि पटाखे ना फोड़े। तो ये अपने माता पिता जी को भी कन्विंस करेंगी कि पटाखे फोड़ना गलत है ये बताएंगी, आप क्या कहना चाहेंगी? हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, हानिकारक होता है और हम अपने घर वालों को भी रोकना चाहिए कि ना चले, अपने बहन भाइयों को भी रोकना चाहिए कि पटाखे ना चलाएं। जी, और कुछ कोई कहना चाहेगा बताइए। मैम मेरा नाम निशा और मैं खुशी शिक्षांत्रा में पढ़ती हूँ और मैं इससे पहले जब दिवाली आई थी तो हमने भी पटाखे फोड़े थे और हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि हम पटाखे नहीं फोड़े लेकिन हमने किसी की बात नहीं सुनी थी और हमने भी फोड़ा था लेकिन पिछले साल की हालत देखिए हमें लगता है कि हमें इस बार पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए और पटाखों पर बैन लगाना चाहिए और फिर दूसरों को भी मना करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स ने भी यही बोला कि इस बार पटाखे हम लोग नहीं फोड़ेंगे और ऐसे भी दिवाली मना सकते हैं। आपका नाम? नाम निशा। तो निशा ने यहाँ पर माना है कि पिछले साल उन्होंने खुद पटाखे फोड़े थे और लोगों की बात नहीं मानी थी, मगर जब उन्होंने ये पूरा एक्सपीरियंस किया दिल्ली की जो हालत थी तो अब इन्होंने भी प्रण ले लिया है कि अब से वो क्रैकर्स को पटाखों को नो बोलती हैं और साफ इनकार करती हैं उनका उपयोग करने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि जो पटाखे हैं उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है जिसलिए हमें पटाखे नहीं फोड़ना। जी, तो अब आप अपने बता सकते हैं कि इस बार दिवाली कैसे मनाएंगे, अगर पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो क्या करेंगे? हम इस
बार दिवाली बिना पटाखों के मना सकते हैं, अपने फैमिलीज के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और हमारे घर पे काफ़ी सारी मिठाइयाँ वगैरह आती हैं, उनको हम खा पी के अच्छे से मना सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, लोगों को शुभकामनाएँ दे सकते हैं जी, इसी तरह सब मना सकते हैं। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम रूपा है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ, मैं खुशी शिक्षांत्रा से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें पटाखे नहीं जलाना चाहिए और हमें सबको समझाना चाहिए कि वो पटाखे ना जलाए और जैसे कि हमें हर लोगों को समझाए कि दिए से ही सब कुछ होता है, दिए से रोशनी होती है, दिया ही जलाना चाहिए और लोगों को मिठाई बांट कर शुभकामना देनी चाहिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल, मिठाई और रोशनी से भी हम दिवाली मना सकते हैं, इनफैक्ट उसी से ही हमें दिवाली मनानी चाहिए। ये हमें आपका नाम रूपा, रूपा ने बताया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुशी शिक्षांत्रा से हूँ, मेरा नाम विनीता है। दिवाली जब हम मनाते हैं तो वो दिवाली खुशियों का त्यौहार है, दिवाली को हमें दियों के साथ मनाना चाहिए और फ्रेंडली मनाना चाहिए। और कई बार जब हम पटाखे फोड़ रहे होते हैं तो कई बार हमारे हाथों में भी चोट लग जाती है, इसलिए हमें पटाखों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। मेरा नाम नैन्सी है, मैं खुशी शिक्षांत्रा से हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम पटाखे जलाते हैं तो इससे हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है और जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनसे भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो हमारा रिसोर्स बन चुकी है, इसलिए हम उसे मतलब रोक नहीं सकते। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए इतना कर सकते हैं कि जो पॉल्यूशन है उसको और ना बढ़ाएं और उस पटाखों को ना जलाकर हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे और हमने अपने मनी को भी बचाएंगे, हमें भी फ़ायदा होगा। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम खुशियों से मनाना चाहिए, लेकिन अगर हम पटाखे जला के खुशी मनाएंगे तो उसमें हमारी कोई खुशी नहीं है, क्योंकि वही हमें ही हार्म दे रही है। जी, आपका नाम नैन्सी। हाँ, तो नैन्सी ने कैसे बताया कि इस ना तो सिर्फ प्रदूषण फैला रहा है बल्कि एक मनी वेस्ट भी है, इससे पैसे हम खर्च करते हैं और हम अन्य चीज़ों पे शायद रोक ना लगा सकें मगर पटाखों पे ज़रूर लगा सकते हैं और खुशियों को बढ़ा सकते हैं, ना कि घटाएं जी। हमें दिवाली दियों के साथ मनानी चाहिए, जितने के हम पटाखे खरीदते हैं उतने के हम गरीबों को पैसे देकर उनकी दुआ ले लें, उससे हमारे को फ़ायदा भी रहेगा। हम पटाखे फोड़ते हैं हमारे हाथ पैर जलते हैं, हमारी आँखों में जलन होती है, ऐसे बहुत से लोगों को बीमारियाँ होती हैं, तो वो ना हो। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्यों ना वही पैसा हम किसी की भलाई के लिए लगा दें, ना तो सिर्फ पटाखे खरीद के अपने ही और दूसरों के स्वास्थ्य को बिगाड़ें। बताइए, पिछली बार दिवाली पे बहुत पॉल्यूशन फैलने की वजह से मास्क लगा के घूमना पड़ रहा था, लेकिन इस बार मास्क लगा के घूमना नहीं पड़ेगा जी। तो आपको मास्क लगाना अच्छा नहीं लगता, तो इन्होंने बोला कि मास्क लगाने में घूमना पड़ रहा था और हम क्यों अपने साथ ये करें, काफ़ी अहम पॉइंट है ये, आप बताइए। मेरा नाम निशा है, मैं 8th ई में पढ़ती हूँ, मैं उसी साथ में पढ़ती हूँ। हर साल प्रदूषण फैलता है और जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम पड़ती है। अगर हम इस साल सब पटाखे ना चलाएं तो वही सही, क्योंकि हर घर में त्यौहार बनता है, पर ऐसे त्यौहार ना बने जिससे प्रदूषण फैले और सांस लेने में प्रॉब्लम हो। ऐसा त्यौहार ना मने जिसमें सांस भी लेने में प्रॉब्लम हो। माई राइट टू ब्रीथ, हमारा ये कैंपेन, हमारे साथी हैं इसमें और ये बिल्कुल वही बोल रहे हैं कि सांस लेने में जो जिससे प्रॉब्लम हो वो त्यौहार कैसा। हाँ जी, आप बताइए। मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि त्यौहार खुशी से मनाना चाहिए। लोग अपने मज़े के लिए पटाखे फोड़ते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता वो खुद को भी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए मैं लोगों को कहना चाहती हूँ प्लीज से नो टू क्रैकर्स। वेरी गुड, जिन्होंने बोला कैसे हम अपने स्वास्थ्य के लिए, दो पल की खुशी के लिए और मज़े के लिए अपना और दूसरों का के जीवन को हम दाव पे लगाते हैं। बोलिए। मेरा नाम जागृति है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं खुशी शिक्षांत्र में पढ़ती हूँ। हमें क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए क्योंकि हम उससे पॉल्यूशन होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और थोड़ी बहुत स्मेल भी फैलती है और जो उसका धुआं होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, जिससे कि हमें चलने में दिक्कत होती है। और पटाखों से ऐसा कई जगह होता है कि छोटे बच्चे पटाखे ऐसे कहीं भी चला के फेंक देते हैं और वो जब फटते हैं तो कई बार गाड़ियों के नीचे आते हैं तो वो गाड़ी भी फट जाती है, उससे कि जिससे कि हमें बहुत नुकसान होता है और मनी का भी वेस्ट होता है। जी, तो इन्होंने कुछ दुर्घटनाएं और हादसों के बारे में बताया, कैसे और विस्फोटक हादसे हो जाते हैं दिवाली पे। मेरा नाम साइना, मैं खुशी शांत हूँ। पता कि दीपावली के दिन पतंगे जलाना जरूरी नहीं है, इससे हमें प्रदूषण होता है और
से बीमारियाँ बहुत सारी होती हैं। जी मैं आप क्या बोलना चाहेंगी? मेरा नाम अंजलि है और मैं 8th क्लास से पढ़ती हूँ और मैं आपको दीपावली के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस दिन अब बहुत सारा पॉल्यूशन होता है पटाखों से, हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। कुछ बच्चे होते जो पटाखे जला के ऐसे छोड़ देते और कोई व्यक्ति जाता है तो वो जल जाता है और छोटे बच्चे भी जल जाते हैं पटाखों से, तो हमें इसे नहीं जलाना चाहिए। इससे पॉल्यूशन भी होता है और हमारे से आई सी प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन प्रॉब्लम होती है और हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। इसे मास्क पहनना पड़ता है और ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं पटाखे। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा नाम काजल है, मैं खुशी शिक्षांतरा की छात्र हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि हमें पटाखे नहीं जलाना। हाँ बिल्कुल, हंसने की बात है ये, क्योंकि आपने इतना अच्छा जो है डिसीजन लिया है, तो बताइए क्यों आपने ये निर्णय लिया कि इस बार नहीं फोड़ेंगे आप? मैम क्योंकि इससे बहुत सारी पॉल्यूशन फैल जाती है जिससे लोगों को बीमारी, अलग अलग तरह की बीमारी हो जाती है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल जी, तो आप कैसे मनाएंगे दिवाली? मेरा नाम मुस्कान है, मैं 8वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैं दिवाली के बारे में कहना चाहूँगी, दिवाली जब हम दिवाली मनाते हैं तो हम बिना पटाखों के भी दिवाली बना सकते हैं। बिना पटाखों की दिवाली बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि पटाखों से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, किसी को कैंसर हो जाता है, मास्क लगा के घूमना पड़ता है, मतलब बहुत सारी बीमारियाँ होती है। इसलिए हमें मुझे मास्क लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि धुआं बहुत होता है। मेरी मम्मा बोलती है कि मास्क लगाना चाहिए, लेकिन मुझे मास्क की जड़ ही हटा देते हैं। हाँ जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम अंजलि है, मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। मैं पटाखे के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि पटाखे से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, इससे ज़्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इससे ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इससे कई तरह बीमारियाँ भी हो सकती है। जी बिल्कुल सही का, बीमारियाँ हो सकती है। आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ये मैसेज देखे वो पटाखे ना जलाएं क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है। जी तो हमारे जो व्यूअर्स है, दर्शक, उनको डायरेक्ट एक मैसेज आया है आपका नाम अंजलि से, दोहरा रही है कि जो देख रहा है बिल्कुल इस बार साफ इनकार कर दे पटाखों से। बताइए। मेरा नाम नंदिनी है, मैं खुशी शिक्षांतरा में पढ़ती हूँ, कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई पटाखे ना जलाए क्योंकि पटाखे जलाने से कूड़े भी बहुत फैलते हैं और मतलब जो जला के फेंक देता है उनसे जलने की भी खतरा होती है और हम बिना पटाखे की भी दीपावली बहुत अच्छे से मना सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बहुत मेरा नाम अंजू है, मैं जी शिक्षांतरा में पढ़ती हूँ कक्षा 8वीं में। मैं दीपावली पे बताना चाहती हूँ कि दीपावली पे पटाखे जलाना जरूरी नहीं है। दीपावली बहुत अच्छे से बन सकती है कि हम दिए से भी बना सकते हैं, रोशनी भी जरूरी है। दीपावली पटाखे को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। जी मेरा नाम खुशी, मैं 8वीं क्लास की छात्रा हूँ और हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, इससे बहुत पॉल्यूशन होता है, हमारी स्किन बहुत जाती है और हमारी आइज को बहुत प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन फैलता है, इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। आप देख सकते हैं कि नन्ही लड़कियाँ इतने अच्छे से समझ सकती हैं पटाखों की क्या दुरुपयोग है और क्या उसका हानि है हमारे सबकी जिंदगियों पर, तो क्या हम इतने बड़े लोग समझ नहीं सकते? हम अध्यापक जी के पास आएंगे जिन्होंने इतना अच्छा शिक्षा दी है इन लड़कियों को, क्या बोलना चाहेंगे? हम लोगों ने भी बच्चों को इस बार जो है वो खुशी शिक्षांतरा के अध्यापकों ने सभी ना, इवन तक कि हमारे प्रधानाचार्य जो है ऋचा मैम, उन्होंने भी कहा है कि बच्चों इस बार जो है वो आप पटाखे ना जलाएं, ज्यादातर फूल जड़ियां और दिए जलाएं। इस तरह से शिक्षा हम लोग भी दे रहे हैं क्योंकि पिछले साल भी हम लोग जो है वो पोल्यूशन तो दिल्ली में है ही, तो इसको ज्यादा ना तो क्या आप लोग भी इस बार क्रैकर्स को नो बोल रहे हैं? नो बोल रहे हैं। आप अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं? इवन तक हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, हम पीटीए मीटिंग में भी बच्चों के पेरेंट्स को भी यही सलाह दे रहे हैं कि बच्चों को आप पैसा खर्च करने के लिए ऑप्शन त्योहारों पर दीजिए, बट इस तरह से आप लोग क्रैकर्स को फोड़ने से मना करें। तो क्या ऋचा मैम से बात हो सकती है? एक बार जी, तब तक मैम मैं आपसे बोलना चाहूंगी, हम बड़ों की ये मानसिकता है कि एक फुलझड़ी जरूर जला लेते हैं, सघन होता है, तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं चेंज बदलनी जरूरी है, क्या कहेंगी आप? बहुत जरूरी है क्योंकि देखो अब हम ही बच्चों को पढ़ाते हैं तो अपने बच्चों को क्या फ्यूचर दे रहे हैं, और हालांकि हम अपने घर में रहते हैं तो अपने घर का एनवायरमेंट हम कैसा बनाना चाहते हैं, ऐसा पॉल्यूशन तो नहीं रखना चाहते जी। तो जब दिल्ली में तो हमारा घर ही है, बिल्कुल, तो हम दिल्ली को कैसे हेल्दी बनाएंगे, कैसे पॉल्यूशन फ्री बनाएंगे, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो बजाय इसके कि एक दिन हम बहुत मज़े करें, बहुत शोर सुने और फिर बाकी टाइम हम बीमार रहें, हमारे बच्चों की
आंखों में जलन, और हम सभी हेल्थ की कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे अच्छा है कि हम क्रैकर्स को मना ही करें जी और रोशनी से दिवाली मनाएं। तो वही है कि हमारे जो सब ये आने वाली जनरेशन है सेफ हैंड्स में, ये पता चलता है। सौरभ क्या बोलना चाहेंगे दो लाइनों में? ये सब हमारे साथ जो लड़कियां जुड़ी थी, इन्होंने काफी अच्छे प्रभावशाली मैसेज दिए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमने बहुत सारी लड़कियों से बात किया और हमने ये देखा कि इन्होंने प्रण लिया है इस साल कि हम क्रैकर्स को नो बोलेंगे। और बात इसमें ये है कि इन्होंने बोला कि हम अपने ही मनी को वेस्ट करके, अपने ही पैसे को वेस्ट करके और अपने फ्यूचर को इनसिक्योर कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। तो ये जो इनका डिसीजन है, और इन्होंने ये भी बोला कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों को ये जाके समझाएंगे और बताएंगे कि उन्हें क्रैकर्स नहीं इस दिवाली यूज़ करना है। तो जो मैसेज है, ये छोटी छोटी लड़कियां हैं, इन्होंने जो मैसेज दिया है, ये बड़े एडल्ट जो हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें भी समझना चाहिए। वो भी घर में जाएं और बच्चों को समझाएं कि बच्चे आप क्रैकर्स ना बर्न करो, और उसके बदले आप चाहो तो जो क्रैकर फ्री दिवाली है, ग्रीन दिवाली हम मना सकते हैं, क्योंकि दिवाली कहीं ना कहीं लाइटिंग से होती है और पूजे से होती है, कहीं वो क्रैकर्स का उसमें कोई भी भागीदारी नहीं है दिवाली में। जी, मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि कल से हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया है, स्कूल्स में जाकर बच्चों से हम डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, से नो टू क्रैकर्स, ग्रीन दिवाली, माय राइट टू ब्रीद का जो हमने मुहिम चलाई है उस पर हमारे साथ जुड़िए। और जो हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि आप लोग और अन्य हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स पे ही क्यों प्रश्न उठा रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी हम दिवाली पे प्रश्न नहीं उठा रहे। दिवाली एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, और जैसा कि सभी लड़कियों ने यहाँ पर बताया कि दिवाली मनाने के इससे बहुत बेहतर तरीके हो सकते हैं। हमारे कहीं पे भी वेदों में नहीं लिखा कि पटाखे फोड़ने हैं, हम लाइट्स से, जैसा बच्चियों ने भी बोला, रोशनी से और मिठाइयों से और एक दूसरे से मिलजुल कर भी दिवाली मना सकते हैं। हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़े रहिए, बने रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लड़कियों, एक बार सब बोलेंगे, क्रैकर्स को आप क्या बोलेंगे? नो। एक बार फिर नो। तो आपने देख लिया है, सुन लिया है, इसी से हम अपना ये लाइव वीडियो एंड करते हैं।